हे गाइस, व्हाट्स अप फूडी फैमिली। तो आज मैं लेके आ गया हूँ बहुत ही बेहतरीन सी एक रेसिपी लेके आ गया हूँ। ठंडी का टाइम है, विंटर सीजन है, मैं सोचा क्यों ना आप लोग के साथ एक मैं रेसिपी शेयर करूँ जिसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं चीज बर्स्ट, ओट्स लॉलीपॉप बोलिए या आपको टिक्की बोलना है, जो बोलिए वो बोलिए, और हम आपको बताएंगे कि उसकी रेसिपी कैसे बनती है। थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा और थोड़ा सा अनहेल्दी भी रहेगा क्योंकि फ्राई होगा। सबसे पहले हम सारे वेजिटेबल्स ले लेंगे, उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपको जो भी मनपसंद वेजिटेबल्स हो, हमने यहाँ पे आलू लिया है, पीज लिए हैं, कॉलीफ्लावर लिया है, हमने यहाँ पे फिर दूधी भी डाली है उसके अंदर, साथ में हमने कैप्सिकम डाले हैं, फिर हमने बैंगन भी डाला है। तो आपको जो भी मनपसंद हो, हम इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो आपको जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसे बॉईल कर दीजिए। जो भी सारा हमने बॉईल किया था वो सारी चीज़ को एक बाउल में ले लेंगे, उसके अंदर हम कैप्सिकम डालेंगे बारीक कटे हुए, उसमें फिर कैबेज डाला, थोड़े से धनिया डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और हम उसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। अब इसमें चाट मसाला है, किचन किंग मसाला है, जो भी आपको चटपटा टेस्ट करना है वो डाल सकते हो। साथ में हमने अदरक और मिर्ची, ग्रीन मिर्ची की पेस्ट डाल दी, उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कुछ लोग इसे कच्चा भी रखते हैं, कोई बॉईल नहीं करता है, बट हमने इसमें यहाँ पे बॉईल किया है कि थोड़ा अच्छी तरह वेजिटेबल सारे कुक हो जाए। उसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और ओट्स ऐड करेंगे, जिससे अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाए। जो टिक्की बोली है लॉलीपॉप में अच्छी सी एक बाइंडिंग आए, तो एक गोले बना देंगे जैसे हम रोटी के बनाते हैं। अब उसके अंदर हम डालेंगे बीच में चीज़ और रख देंगे एक स्टिक, फिर उसके ऊपर और एक ऐसा गोले से उसे पैक कर देंगे और उसे एक शेप दे देंगे एक लॉलीपॉप का। आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हो, आप इसे एलोंगेटेड लंबा शेप भी दे सकते हो, आपको जैसा शेप चाहिए आप उसे दे सकते हो। वैसे इसके सारे बना देंगे लॉलीपॉप और एक प्लेट में रख देंगे। अब इसको हम लोग फ्राई करने से पहले उसे कॉर्नफ्लोर और ओट्स से लेयर कर देंगे। ओट्स से ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया क्रंची टेस्ट देगा। उसके बाद हम लोग इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। आप एक एक करके ऐसे सारे लॉलीपॉप बना दीजिए जब तक उसका गोल्डन कलर, गोल्डन टेक्सचर ना आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। हम इसे सर्व करेंगे मेल्टेड चीज के साथ या चीज डिप के साथ, आप केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और यहाँ पे रेडी हमारे बढ़िया से ओट्स लॉलीपॉप। ये देखिए पहले आप, क्या बेहतरीन लॉलीपॉप लग रहा है, और साथ में ये रही चीज डिप उसकी। हाँ, ये देखो चीज।